अस्सलामुअलैकुम टैन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कराते होंगे। और आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, आप तो पहले मुझे ये बताएं ना कि आपको कैसा महसूस होता है रोज़े रख के, फिर काम वगैरह करके, फिर क्या लगता है आपको। मेरा तो पेट बिल्कुल खाली हो जाता है और मुझे तो सांस नहीं लगती बस। तो आप बताएं कि आपके साथ भी यही सीन है कि आपकी भी सांस नहीं लगती। यार मेरी तो सांस नहीं लगती। तो ये देख के हमने ये लगाई थी छोटी छोटी सी धनिया, मुझे तो आपको पता है सालन में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी ये धनिया निकल गई, और आज का मौसम भी बहुत प्यारा है। और महकमे मौसमियात वालों ने कहा था कि 2 दिन जो है वो है धूप और उसके बाद लगने वाली है बारिश। तो आज उसका दूसरा दिन हो गया है पूरा। तो अभी आपको मैं मौसम दिखा रही हूँ कि कल से फिर बारिशें हैं, और मौसम देखें बारिशें भी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं कि कल हमने बरसना है। कितने ज़्यादा से बादल हैं और ये देखें, और ये कल की तैयारी में लगे हुए हैं कि बस कल हो और फिर हम बरसना शुरू हो जाएं। तो कल से फिर हैं बारिशें, लेकिन चलें मौसम अच्छा है रोज़ों के लिए कि रोज़े इसमें हमारे गुजर जाते हैं। इतनी गर्मी नहीं है और ना ही इतनी सर्दी है, बस दरमियाना मौसम है और रोज़े हमारे बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं। तो आप बताएं आपको इफ्तारी में पसंद क्या है। चाट, अब चाट होती हैं कई किस्म की, एक तो ये वाली चाट है, दूसरा फ्रूट चाट है, और एक दही वाली चाट होती है और दही भले वगैरह भी होते हैं। तो इनमें से आपका फेवरेट क्या है। तो अफ्तारी में आप क्या लेना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये हैं समोसे। और जो बात आपके जहन में आ रही है ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल भी ये मेरे हाथ नहीं है, और ये हैं रोल। और आपकी इफ्तारी में क्या क्या होता है मुझे आपने ये बताना है। और ये समोसे चटपटे से, तो इनमें से आपका फेवरेट क्या है, पकौड़ा है, चाट है, या फिर समोसे हैं, या बैगन वाले पकोड़े हैं। बैगन वाले जो हैं पकोड़े भी बहुत मज़े के होते हैं, अगर आपने ट्राई किए हों तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसमें ना फ्रूट, अब फ्रूट भी एक तरफ फ्रूट होता है और एक तरफ होते हैं ये चटपटी सी चीज़ें, लेकिन जो हमारी फेवरेट हैं वो हैं पकोड़े और चावल, जो कि हमारे घर में रोज़ बनते हैं। और फ्रेंड ने जो शॉपिंग की थी उसमें मैंने जो ड्रेस ली है वो टेलर को दिखा दी है, और इनमें से मैंने ये डिज़ाइन पहले सेलेक्ट किए थे कि इनमें से मैंने कौन कौन से डिज़ाइन मतलब के टेलर को बताने हैं जो वो मेरे कपड़ों पे डालेगा। तो वो सारे डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो इसमें कुछ टिशू फैब्रिक के भी हैं, तो बाजुओं पे और दामन पे अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाएं ना तो बहुत प्यारा लगेगा। तो जब ये स्टिच होके आएंगे तो तब मैं आपको वो कपड़े बताऊंगी, लेकिन मैंने पहले आपको डिज़ाइन बता दिए। तो ये हमारी बाज़ार की वीडियो, जब हम बाज़ार गए थे कुछ चीज़ें लेनी थी, लेस वगैरह और कपड़ों के साथ जो टिशू वगैरह लेनी थी, टिशू की जो लेस वगैरह लेनी थी, ये चीज़ें लेने गए थे। तो बहुत ढूंढते रहे लेकिन हमें नहीं मिली। अब यहाँ पे जो शॉप से लेनी थी वो शॉप थी बंद, तो फिर हमने वहाँ का जो पूरा बाज़ार है ढूंढी है, वो पूरी बाज़ार में वो शॉप थी, वो वहाँ से नहीं मिली और वो लेस भी यहाँ पे हमें नहीं मिली। तो मैंने टेलर से ही कहा है कि आप उनको आके लगा लें। तो फिर जब कपड़े लेके जाएंगे उसके पास से तो हिसाब किताब टर्न कर लेंगे। तो उस दिन हम बहुत थक गए थे चीज़ें ढूंढ ढूंढ के, लेकिन हमें उसके साथ की मैचिंग की कोई ग्लास, कोई बटन, कोई चीज़ नहीं मिली। अब वो ये काम है टेलर का, वो खुद लगाएगा।